हेलो दोस्तों, आज का जो चैप्टर है अगेंस्ट किंग्स गैम्बिट। किंग्स गैम्बिट बहुत सारे लोगों को जो e4 अगेंस्ट e5 खेलते हैं उन्हें ब्लैक से खेलने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि नॉर्मल जो लाइन है e4 e5 के सामने वाइट मोस्टली नाइट f3 मूव करके ओपनिंग करते हैं, जो रॉयल ओपेज या बिशप ओपनिंग में कन्वर्ट होती है। लेकिन e4 e5 देन f4 किंग्स गैम्बिट, अब वाइट से जो प्लेयर प्रिपेयर करके आता है और उसके अगेंस्ट आप ब्लैक से परफेक्ट रिप्लाई नहीं दे पाते हो तो आप उसके ट्रैप में तुरंत फंस जाओगे। ये लाइन ही ऐसी है, बहुत ही अटैकिंग लाइन है वाइट से, तो ब्लैक प्लेयर बहुत सारे प्लेयर इसमें ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिए ये वीडियो। अगेंस्ट किंग्स गैम्बिट e4 e5 f4, यहां पे आपको नाइट सी सिक्स रिप्लाई देना है। ये बेस्ट रिप्लाई है ब्लैक की ओर से। नाइट f3, वाइट खेलेगा नाइट f3। उसके बाद यहां पे एक ब्रिलियंट मूव f5। दोस्तों बहुत ही इजी है समझने में, ये लाइन पूरी प्रिपेयर करके आप खेलोगे तो किंग्स गैम्बिट के सामने बहुत ही जबरदस्त ब्लैक से आप खेल सकते हो। अब यहां पे मैं फिर से बताता हूं, एकदम इजी मूव है e4 e5 nf3 नहीं सॉरी f4 नाइट सी सिक्स देन नाइट f3 देन f5। ये आपका जो नाइट सी सिक्स वाला मूव है ये तो कॉमन है, नाइट f3 के सामने मोस्टली हम रिप्लाई देते हैं नाइट सी सिक्स, तो यहां पे f5 ये जबरदस्त मूव है। इसके बाद सब अलग अलग वेरिएशन, यहां से व्हाइट क्या क्या कर सकता है, बेस्ट चॉइस। यहां पे व्हाइट के पास टोटल 1 2 3 4 5 चार मेन चॉइस है, फोर मेन चॉइस। मानो कि उसने nf3 नहीं किया, तो nf3 के बदले भी हम देख लेते, कई लोग ये पॉन टेक्स पॉन कर दे तो ये ब्लैक के लिए काफी जबरदस्त है, ब्लैक के लिए काफी प्लस है। आप देखो यहां पे जो साइड में जो ग्राफ दिख रहा है ये ब्लैक के फेवर में टोटली विनिंग गेम बताता है। एक्रोस e5, यहां पे क्वीन h4 चेक, देन g3 एंड क्वीन टेक्स e4 विथ डबल अटैक और कंप्लीटली ब्लैक विनिंग। तो ध्यान देखिए कि अगर वो पॉन टेक्स पॉन करता है तो उसके लिए बैड मूव है पॉन टेक्स पॉन। यहां पे g3 के बदले अगर किंग e2 आता है तो क्वीन टेक्स e4, उसके बाद फोर्स मूव एक ही ऑप्शन है, उसके बाद कंटिन्यूस चेक और कुछ ही समय में व्हाइट की गेम लॉस होगी। तो ये व्हाइट के लिए भी बैड मूव है। यहाँ पे बेस्ट रिप्लाई है नाइट f3 और यहाँ f5। अब f5 के रिप्लाई देखने हैं, हमें f क्रॉस e4 के रिप्लाई अभी नहीं देखने हैं क्योंकि वो बहुत ही घटिया मूव है, बहुत ही बैड मूव है। चलिए देखते हैं। तो पहला फर्स्ट चॉइस, मैं टोटल फोर चॉइस बताऊंगा। एक चॉइस है नाइट e5, दूसरी चॉइस जो है f क्रॉस e5, थर्ड चॉइस जो है d3 सिंपल डिफेंस और इस पॉन को सपोर्ट भी सबसे, फोर्थ जो चॉइस है e क्रॉस f5। ये चार चॉइस है, सभी चॉइस में ब्लैक बहुत ही जबरदस्त खेल सकता है। देखिए तो यहां f5 के बाद पहली चॉइस में बताऊंगा आफ्टर नाइट टेक्स e5। नाइट टेक्स e5 में आपको करना है नाइट टेक्स e5 f क्रॉस e5 और फिर से सेम पोजीशन क्वीन एच फॉर चेक देन g3 एंड क्वीन टेक्स e5। तो नाइट e5 ये भी सही मूव नहीं है। दूसरी चॉइस देखते हैं दोस्तों f क्रॉस e5। fe5 में आपको करना है f क्रॉस e4। अब यहां नाइट पे प्रेशर है, नाइट के पास कौन सा बेस्ट मूव है,
तो ओनली नाइट जी वन पॉसिबल है, क्योंकि नाइट लाइक नाइट एच फोर, नाइट जी फाइव, नाइट डी फोर, ये तीन मूव में व्हाइट अपना नाइट लॉस हो जाएगा. तो ओनली वन चॉइस नाइट जी वन. नाइट जी वन में नाइट क्रॉस ई फाइव, अगर वो क्वीन एच फाइव चेक देता है कोई दिक्कत नहीं है. यहां पे नाइट जी सिक्स इंटरपोज आफ्टर नाइट सी थ्री, यहां पे अटैक, देन यू कैन सेव योर पॉन बाय नाइट एफ सिक्स. और ये पोजीशन मुझे नहीं लगता कि ब्लैक ये गेम हार सकता है. तो ये बहुत ही शॉर्ट मूव है, बहुत ही कुछ ही मूव में आपको गेम विनिंग की ओर ले जाएगा. तो यहां पे हमने देखा दूसरी चॉइस. अब थर्ड चॉइस दिखाता हूं, डिफेंसिव चॉइस जो है डी थ्री. डी थ्री में आपको रिप्लाई देना है डी सिक्स. व्हाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, यहां आपको रिप्लाई देना है एन एफ सिक्स, बिशप ई टू. नॉर्मली यही लाइन होती है दोस्तों, क्योंकि व्हाइट चाहेगा जल्दी से उसका शॉर्ट कैंसल हो जाए, क्योंकि एफ फाइल ऑलरेडी ओपन हो चुकी है. तो बिशप ई टू के सामने आपको रिप्लाई देना है बिशप ई सेवन, व्हाइट कैंसल करेगा और यहां आपको भी सिंपल कैंसल कर लेना है. अब ये लाइन में आपको खेलने में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है दोस्तों. ई क्रॉस एफ फाइव, यहां पे नेक्स्ट मूव, सॉरी ई क्रॉस एफ फाइव, तो यहां मैं आपको सजेशन करूंगा नेक्स्ट मूव आपका ई फोर. अब नाइट टेक्स, नाइट ई फाइव, सॉरी नाइट डी फोर. ई फोर में एक और भी मूव है, नाइट ई फाइव या नाइट डी. नाइट डी फोर में बिशप टेक्स पॉन. दोस्तों ये पोजीशन भी ब्लैक के फेवर में कंप्लीटली. चलिए थर्ड वेरिएशन देखते हैं, फोर्थ वेरिएशन सॉरी. डी थ्री के बजाय और क्या कर सकता है, ई क्रॉस एफ फाइव लाइक ये पॉन. ई क्रॉस एफ फाइव में आपको यहां करना है ई फोर, ई फोर के बाद नाइट ई फाइव, नाइट एफ सिक्स तुरंत, क्योंकि क्वीन एच फोर अब ये चेक आपको अलाउ नहीं करना है. तो नाइट एफ सिक्स के बाद में व्हाइट रिप्लाई देगा नाइट सी थ्री और यहां डी फाइव. और अब देख सकते हो आप कितना बढ़िया स्ट्रक्चर हो गया है ब्लैक का. तो डी फाइव के बाद लाइक बिशप डी फाइव पिनिंग योर नाइट, नाइट टेक्स नाइट की थ्रेट है, पॉन टेक्स देन. और यहां पे बहुत ही सरप्राइज मूव है दोस्तों, क्वीन डी सिक्स सपोर्ट करना है और नाइट पे अटैक भी करना है और नाइट को एक सपोर्ट देना है. क्वीन डी सिक्स के बाद व्हाइट खेलेगा डी थ्री और यहां बिशप टेक्स एफ फाइव आफ्टर कैसलिंग. यहां पे आपको खेलना है ए सिक्स, बिशप सी सिक्स, देन बी सी सिक्स, डी क्रॉस ई फोर. मैं सजेशन दूंगा यहां नाइट क्रॉस ई फोर करिए, क्योंकि नेक्स्ट में आप क्वीन सी फाइव चेक, देन नाइट एफ टू चेक, नाइट ई फाइव, और उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपके हाथ में है. अब जैसे कि नाइट ई फोर, तो सिंपल बिशप टेक्स ई फोर और कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में गेम. आप यहां कभी भी जब चाहे लॉन्ग कैसल करके भाग सकते हैं यहां पे. और इस नाइट पे पहले प्रेशर बनाना है, बिशप से मारो या फिर एफ क्रॉस ई फोर करो. सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं क्वीन टेक्स क्वीन का, लेकिन मेरे हिसाब से बिशप टेक्स ई फोर बेस्ट है. तो ये स्ट्रक्चर भी ब्लैक के फेवर में है. फोर्थ जो है नाइट सी थ्री. अब दोस्तों अलग अलग जो चॉइस है और भी चॉइस है, मैंने आपको पहले फोर्थ चॉइस के बारे में बताया था, लेकिन अभी भी मेरे पास और भी दो चॉइस निकली है यहां पे, तो वो भी देख लेते हैं.
ध्यान से सारे मूव आप लर्न करोगे तो खेलने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लेकिन सभी मूव आपको बोर्ड के ऊपर थोड़ा लर्न कर लेना है, रट्टा नहीं मारना है, मूव समझ के तैयार करना है, तभी आपकी लाइन ओपनिंग तैयार होगी। चलिए नेक्स्ट जो है यहाँ पे तुरंत नाइट सी थ्री डेवलप में व्हाइट अगर ध्यान देता है तो यहाँ आपको करना है एफक्रॉस ई फोर। अब यहाँ पे दो चॉइस है, नाइट एफ, एक तो नाइट क्रॉस ई फाइव और दूसरी चॉइस है नाइट क्रॉस ई फोर। तो नाइट क्रॉस ई फाइव पहले देखते हैं हम। नाइट ई फाइव में यहाँ आपको सिंपल नाइट एफ सिक्स अपने इस पोन को सपोर्ट देना है। बिशप बी फाइव सेम सिचुएशन आएगी पिनिंग वाली, यहाँ पे बिशप बी फाइव के सामने ये पॉन पिन नहीं है तो यहाँ आप नाइट डी फोर कर सकते हो इस पोजीशन में। आफ्टर बिशप ए फोर, बिशप ए फोर में सिंपल सी सिक्स, नेक्स्ट थ्रेट है आपकी डी फाइव की जो कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता। तो सी सिक्स में वाइट करेगा शॉर्ट कैसल और उसके बाद बिशप सी फाइव डिस्कवर की थ्रेट, बहुत ही ब्रिलियंट मूव है यहाँ पे। किंग एच वन फोर्स मूव है और शॉर्ट कैसल। अब आप सोचोगे यहाँ चेक आ रहा है, लेकिन चेक से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर चेक दिया सिंपल डी फाइव कर दो और हो सकते अगर आप चाहो तो इसे कैप्चर करके भी चेक से वो कर सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर भी ब्लैक की फेवर में, कंप्लीटली ब्लैक की फेवर में, स्लाइट एडवांटेज बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। तो दूसरा वेरिएशन नाइट ई फोर देखते हैं। इसमें नाइट सी थ्री के बदले नाइट ई फोर, जैसे कि नाइट ई फाइव के बदले नाइट ई फोर, तो यहां आपको करना है डी फाइव। नाइट सी थ्री फोर्स मूव, उसके बाद खेलना है ई फोर। आफ्टर नाइट ई फाइव सिंपल नाइट एफ सिक्स और ये स्ट्रक्चर फिर से ब्लैक के फेवर में। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है किंग्स गैम्बिट में खेलने में, लेकिन स्टार्टिंग के मूव्स आपको परफेक्ट होने चाहिए। चलिए एक और मैं मूव बताता हूँ यहाँ पे। नाइट एफ सिक्स के बाद एफ फाइव के बाद एक और चॉइस है डी फोर, सरप्राइज चॉइस है, अटैकिंग चॉइस है। अभी हमने पैसिव चॉइस देखी सभी, ये है अटैकिंग चॉइस। इसमें ई टेक्स डी फोर और वाइट यहाँ पे ई फाइव खेलेगा और ये सारे स्क्वायर कंट्रोल करने का प्लानिंग है। यहाँ पे आपको करना है बिशप बी फोर चेक, आफ्टर बिशप डी टू और फिर बिशप सी फाइव। सी थ्री वाइट खेलेगा क्योंकि डी फोर पे पॉन जो है उसे बहुत परेशान करने वाला है। यहां पे आपको खेलना है नाइट एच सिक्स, क्वीन सी टू और यहां पे आपको खेलना है डी सिक्स। अब इस पॉन को अटैक भी है बिशप से, ये पॉन सपोर्टेड भी हो गया। सी टेक्स डी फोर, बिशप टेक्स डी फोर, नाइट सी थ्री, यहाँ पे नाइट जी फोर, नाइट एफ टू की थ्रेट है तो वाइट खेलेगा नाइट डी फोर, यहाँ पे नाइट टेक्स डी फोर और उसके बाद क्वीन ए फोर चेक। नाइट सी सिक्स वापस लाना पड़ेगा क्योंकि डबल अटैक है। ई क्रॉस डी सिक्स, क्वीन टेक्स डी सिक्स, यहां मैं सजेशन करूंगा क्वीन टेक्स डी सिक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुक डी वन आने से आपको कोई भी खतरा नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो क्वीन डी सिक्स के बाद वाइट अगर डायरेक्टली लॉन्ग कैसल करता है तो यहां पे बिशप ई सिक्स, आर ई वन थ्रेट जो है उसे स्टॉप करना है पहले। आफ्टर बिशप ई थ्री क्यू बी फोर, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके गेम खेल सकते हो। और ये गेम अगर व्हाइट ने एक्सचेंज कर दिया तब भी ब्लैक को ही इसका फायदा है क्योंकि नाइट टेक्स बी फोर के बाद यहाँ पे सॉरी नाइट ई थ्री की थ्रेट भी है आपके पास, तो आपको तुरंत वन बाय वन आगे के मूव्स मिलते रहेंगे सारे फोर्स मूव। बिशप बी फोर जो मैंने बताया इसी मूव में, इसी लाइन में ध्यान रखिए,
थोड़े से हम पीछे जाते हैं, E5 के बदले ए पोजीशन के बाद, जैसे कि D4 में आपने ED4 किया, तो E5 के बदले E x F5 क्यों नहीं हो सकता? तो E x F5 में सिंपल बिशप C5, पॉन को दो सपोर्ट मिल जाएंगे, बिशप D3, वाइट कैन प्ले बिशप D3, यहाँ पे नाइट F6 दोनों साइड से कैसल हो जाएगा, ब्लैक भी कैसल कर लेगा, नाइट D4 सॉरी यहाँ पे कैसल कैसल, उसके बाद बहुत ही अच्छे से आप गेम खेल सकते हो, लाइक नेक्स्ट मूव में D6 और बिशप टेक्स पॉन, और ये बहुत सारे मूव्स है आपके पास D6 के बाद, या D5 भी खेल सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ चॉइस और भी देख लेते हैं, नाइट D4 भी कर सकता है, पॉन टेक्स पॉन के बाद एक और चॉइस है नाइट D4। नाइट D4 में आपको कोई रिप्लाई देना है नाइट F6, उसके बाद अगर वाइट E5 करता है तो यहां आपको नाइट टेक्स D4 आफ्टर क्वीन टेक्स D4 और उसके बाद नाइट E4 सेंट्रलाइज करो, नेक्स्ट थ्रेट आपकी जबरदस्त आने वाली है बिशप C5। तो नाइट E4 के रिप्लाई में वाइट खेलेगा बिशप E3, यहां पे बिशप C5, क्वीन D3 और यहां पे बिशप टेक्स E3 आफ्टर क्वीन टेक्स E3 देन यू कैन गिव द चेक G6 और यहां पे आप वाइट की ओर से बहुत सारे वीकनेस हो चुके हैं। और भी फिफ्थ चॉइस है सिक्स चॉइस में नाइट F5। जैसे कि हमने आपको मैंने बताया नाइट D4 में नाइट D4 अगर हम नाइट F6 करते हैं तो आप सोचोगे कि ये नाइट टेक्स F5 क्यों नहीं होता है, तो नाइट F5 भी पॉसिबल है। नाइट F5 में आपको रिप्लाई देना है नाइट टेक्स E4, बिशप D3 वाइट खेलेगा और यहां पे वापस नाइट F6 और अपने गेम को कंप्लीटली सेव करना है। वाइट कैसल करेगा बिशप C5 फॉलो बाय चेक, बिशप E3 बिशप टेक्स E3 नाइट टेक्स E3 एंड कैसल। अब ये पोजीशन में कोई खेलने में दिक्कत नहीं है ब्लैक को, बहुत ही मजा आएगा और इक्वलाइज गेम है, लेकिन जो भी पोजीशन मैंने आपको बताई वहां पे सभी जगह पे ब्लैक स्लाइटली एडवांटेज है। तो दोस्तों किंग्स गैम्बिट के अगेंस्ट खेलने में ये सारे मूव, सिर्फ इतने मूव आप रेडी करोगे तो बहुत सारे गेम्स आप जीत सकोगे बहुत सारे प्लेयर्स को। अब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आप मोर जो हायर रेटेड है बहुत उसके अगेंस्ट, लेकिन आप एटलीस्ट 2000 रेटिंग तक ये खेल सकते हो। तो दोस्तों नए वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद जय गुजरात।